नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर। मैं हूं आकाश। नेक्स्ट नाइन भक्ति सागर की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनका हमारे जीवन में काफी ज्यादा महत्व होता है। साथ ही आप अपने इन उपायों को करके बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ अंधविश्वासी लोग रहते हैं, उनको टोने टोटके उपायों का बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। और साथ ही हम अपनी इनके अलावा राशि, कुंडली और मंदिर मस्जिद पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। यहाँ हर दिन किसी न किसी भगवान की पूजा होती है, हर दिन किसी न किसी भगवान का दीदार ज़रूर होता है। साथ ही आज हम आपको इसी सीरीज में बताने वाले हैं कि ऐसे कौन से टोटके हैं या उपाय हैं जिनको करने के बाद यदि आप काफ़ी लंबे समय से किसी भी कानूनी कार्रवाई या पचड़े में फंसे हुए हैं तो इनको करने के बाद आपको कैसे लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामले से आपको कैसे राहत मिल सकती है, इन कुछ आसान उपायों को करने के बाद आपके जीवन में जो लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मुकदमा चला आ रहा है उसमें भी आपको लाभ ज़रूर होगा और आपके जीवन में खुशियाँ भी दस्तक देने लगेंगी। तो चलिए आपको बिना देरी किए बताते हैं आखिर कौन से हैं वो आसान उपाय जिनको करने के बाद आप कोर्ट कचहरी के मामले में राहत प्रदान कर सकते हैं। आपको बता दें, जब आप सुनवाई के लिए कोर्ट या कचहरी में घर से निकलते हैं तो अपने साथ एक मुट्ठी भर सफेद चावल बिना टूटे हुए लेकर जाएं। उन्हें कोर्ट कचहरी में जिस कक्ष में आपकी केस की सुनवाई हो रही हो वहां चावल को दाहिने तरफ फेंक दें तो इससे आपके जो केस आपका चल रहा है वो आपके पक्ष में आएगा और आपको लाभ जरूर होगा। वहीं आप कचहरी जाते समय अपने साथ एक हत्था जोड़ी लेकर जाएं। हत्था जोड़ी में थोड़ा सा सिंदूर जरूर लगा दें, इससे आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपके जीवन में खुशियां भी दस्तक देने लगेंगी। वहीं आसान उपाय, एक पीला नींबू लें और उसके चारों कोने पर चार लौंग गाड़ दें। अपने कुल देवता इष्ट देव से मुकदमे में सफलता की प्रार्थना करें। कचहरी जाते समय अपने साथ में उनको रखने से आपको लाभ जरूर होगा। नींबू को अपने साथ अगर लेके जाएंगे तो आपको बहुत जल्द फायदा होगा। वहीं घर में पूजा स्थल पर चार गोमती चक्र, मतलब पूजा के लिए आप रख सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। पूजा करने के बाद जब न्यायालय जाने लगे तो उन गोमती चक्रों को अपनी दाहिनी जेब में डाल दें। इसको ले जाने से, इनको साथ रखने से माँ लक्ष्मी का साथ रहेगा और आपको फायदा जरूर होगा। वहीं अगर आप लाल या सिंदूरी रंग का 7 या 5 रत्ती का मूंगा रत्न तिकोना आकृति का सोने की अंगूठी में बुधवार को धारण करते हैं तो आपको अपने मुकदमे में विजय प्राप्त होगी और आप जल्दी से जल्द इन पचड़े से दूर हो सकते हैं। तो दर्शकों, ये कुछ आसान से उपाय करके आप अपने जीवन में जो कोर्ट कचहरी के मामले आपके लंबित पड़े हैं या फिर आप उनसे बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उनमें आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। तो दर्शकों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए नेक्स्ट 9 भक्ति सागर के साथ। नमस्कार।